पता नहीं प्रियम उस फ्लाइट में बैठा क्यों नहीं, समझ में नहीं आता है। उमा चमत्कार, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो? ऐसा नहीं हो सकता मुनमुन, उसने खुद मुझे एयरपोर्ट से फोन किया और अपनी फ्लाइट का नंबर भी दिया। हे माँ रक्षा करो, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सोचो तो, छोटे माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? नहीं अर्चना, अभी हमें छोटी माँ से कुछ नहीं कहना चाहिए। ये पहले हमें अमेरिका फोन करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर प्रियम है कहाँ पर। देखो इसे कहते हैं घर में छोरा और नगर में ढिंडोरा। मुन मुन माशी, आप भी ना, बैगेज छुपाने तक का मौका नहीं दिया आपने। मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने वाला था। अब चलो तुम दुष्ट चले। लेकिन प्रियम एक बात का जवाब दो, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पूरे एक घंटे बाद घर लौटे, अभी तक तुम थे कहाँ? हाँ भाई बताओ प्रियम कहाँ थे अभी तक? वो एक्चुअली मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था उनके दर्शन करने। केनो? और यहाँ जो तुम्हारी माँ तुम्हारे दर्शन के लिए तड़प रही है, हमें दर्शन दिए बिना ही मंदिर चले गए। मैं उसको अभी बता के आती। नहीं 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 बड़ी माँ, नहीं नहीं बड़ी माँ, अब नहीं। एक्चुअली मैं मॉम को सरप्राइज देना चाहता हूँ। करने दो सबको इंतजार, मैं जानती हूँ तू जानबूझकर छुप गया है। सबसे पहले मेरे पास आएगा, है ना? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास। अगर ये तेरी आवाज नहीं थी तो क्या मेरे कान गूंज रहे थे? अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तू मुझे मां कहकर पुकारेगा। पहले दूर रहकर रुलाता रहा, आज पास आकर रुला रहा है। मैं आ गया हूं मां, गले से तुलका ले। क्या बात है, मैं तुम्हारा बेटा प्रियम। मुझे पता था सबसे पहले तू मेरे पास ही आएगा।
अपनी माँ के पास आएगा। पारोमिता दी, अरे सब आ गए एयरपोर्ट से, खोलिए दरवाजा। हाँ छोटी माँ, प्रियम ने हमें धोखा दिया है, वो तो आया ही नहीं। अरे दरवाजा तो खोलो। माँ दरवाजा तो खोलो ना। अब तक तो तुझे जी भर के देखा भी नहीं, पहले विश्वास तो कर लो, ये एक सपना नहीं, तू आ गया है। मैं हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ आप ही के साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं बस आपके साथ इधर ही रहूंगा। अब तो दरवाजा खोल दो। खोलती हूं। ओ बाबा चमत्कार। क्यों कहां गया प्रियम, गुम गया? क्या बताएं पारोमिता दी, चमत्कार हो गया, प्रियम तो एयरपोर्ट से कबूतर की तरह गायब हो गया। मेरे प्रियम ने तुम सबको बुद्धू बनाया। देख छोटू माँ, ये हमें क्या बुद्धू बनाएगा, ये तो मुनमुन मौसी ने वो तो हमें पता ही था कि यहाँ आने से पहले वो दुर्गा माता के दर्शन करके ही आएगा। चमत्कार, विदेश से लौटा है लेकिन अपने संस्कार नहीं भूला। ये देखिए मैं सब लोगों को क्या लेकर आया हूँ। ना बाबा ना, आम चाइना। देखो तू जरा, एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा तो रंग ही काला हो गया। इश, मैं आपके लिए परफ्यूम लेकर आया था। मुन्माशी, खैर छोड़िए अभी। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो वो तो मैं ले सकती हूँ। दो। अरे दो, अरे अरे की आश्चर्य जो दो। ए बोधी बोलो ना। प्रियम बस अब बंद करो, माशी माँ को और मत सताओ। थैंक यू। ये रहा तुम्हारे लिए। तू क्या मुझे देगा? दूंगा तो मैं तुम्हें बहुत कुछ। चल चल साथ। अरे लेकिन, अरे बहुत बड़ा हो गया है ना तू, बहुत बड़ा, आजकल सबको बुद्धू बनाने लगा है तू। देख मेरा भी हाथ उठ सकता है, मेरा भी हाथ उठ सकता है। मुझ पे हाथ उठाएगा तू? हाँ देखता हूँ तुझमें कितनी ताकत है, उठाना हाथ। चल उठा, ध्यान से उठा। पलाश, एक भाई अभी ठीक से लौटा भी नहीं और दूसरा भाई शुरू हो गया। इधर आओ, मैं बताता हूं कौन जीता तुम में से। बेटा तुम लोग हारने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम मेरे दो बेटे नहीं, मेरे दो बाजू हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी नहीं। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें, हाँ? मुझे इस तरह से रोते देख के, जानते हो प्रियम
14 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम्हारे इंतजार में ये दिन ये पल कैसे बीते ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि दुर्गा पूजा के दिन सबसे पहले तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन तुम अपना वादा ही भूल गए। क्यों किया ऐसे तुमने प्रियम, क्यों मुझसे मिलने नहीं आए? बोलो प्रियम, क्यों नहीं आए तुम? मैंने कहा था ना परोमिता, समय कभी भी रुकता नहीं है। अपना प्रियम लौट आया ना पर वो पलाश के साथ गया कहाँ? हाँ, दोनों बरसों की भड़ास निकाल रहे होंगे, ना उन्हें कोई सुध है और ना ही हमें। खुशी में हम सब कुछ भूले बैठे हैं। माने सुष्मिता दी के घर कम से कम फोन तो कर दिया होता कि प्रियम आ गया है। अच्छा याद दिलाया आपने बहुती, मैं तो भूल ही गई थी, अभी फोन करती हूँ। कंगना दरवाजा खोलो बेटी। अरे प्रियम के आने की खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे हमारी बात का जवाब तो दो। अरे कहाँ चली गई? इधर ही तो आई थी। चंदर बेटा क्या हुआ? कंगना कहाँ चली गई? अरे वो प्रियम से बहुत गुस्सा है, कह रही थी कि वो ठाकुरबाड़ी क्यों नहीं आया, उससे पहले आकर मिला क्यों नहीं। ये क्या बचपना है माँ, वो अपने घर वालों से मिले बिना यहाँ कैसे आ सकता है? अरे बेटा ये बातें उसे कौन समझाएगा, बचपन के बचन को दिल में गांठ बांध कर बैठी है। गुस्से में गुस्सा उतर जाएगा तो अपने आप समझ जाएगी। वो है कहाँ? पूजा पंडाल की तरफ गई है, कह रही थी कि सिंदूर खेला में प्रियम के घर भी नहीं जाएगी। अगर वो वहां नहीं जाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे वो लोग? जब कंगना वहां नहीं जाना चाहती तो आप जबरदस्ती उसे वहां क्यों ले जाना चाहते हैं? और बाबा प्रियम तो अभी आया है, वो सबसे मिलेगा, सबके चेहरे फिर से पहचानेगा, पता नहीं उसे कितना कुछ याद होगा और कितना कुछ भूल गया होगा। रोकती माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, 14 साल, 14 साल कोई कम समय नहीं होता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गए। अरे पहली बार ऋषिदा के घर जा रहे, ऐसी खाली हाथ जाएंगे या कुछ तोहफा वोफा लेकर जाएंगे या नहीं? हाँ ये बात तो ठीक है, चलो कुछ इंतजाम करते हैं। दुग्गा दुग्गा, कंगना प्रियम के यहाँ नहीं जाएगी ये सोचकर दोनों के मन में खूब लड्डू फूट रहे हैं। सात समुंदर पार से आने के बाद भी मेरा प्रियम बिल्कुल नहीं बदला। बदला कैसे नहीं, पहले वो मुनमुन का परफ्यूम छुपा दिया करता था और अब खुद मुनमुन के लिए परफ्यूम लेके आया। वैसे जाइ बोलो, मेरा गिफ्ट आप सबसे बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, मेरा गिफ्ट सबसे अच्छा है। उमा चमत्कार, आपको भी गिफ्ट दिया कोई? आपने तो दिखाया नहीं, क्या दिया क्या दिया? वो खुद आ गया है, ये गिफ्ट से कम है क्या? सच में छोटू माँ, इससे सुंदर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। माँ आपने मुझे बुलाया? कभी कभी तो बिन बुलाए आ जाया कर, इस माँ की आंखों की प्यास अभी बुझी नहीं। वादा करता हूँ मैं हमेशा आप ही के साथ रहूंगा, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हम सब ने तय किया है कि सिंदूर खेला के लिए तू जाएगा, हर मंडप में जाके थोड़ा थोड़ा सिंदूर इकट्ठा करना है, कर पाएगा? और श्रीमती यहाँ आओ विपाशा। प्रियम ये है मेरी छोटी बहन विपाशा और ये है मेरा देवर प्रियम।
वेलकम टू इंडिया। आई होप कि आप हमारी खूबसूरती में कंफर्टेबल हैं। खूबसूरती? एक्चुअली खूबसूरती तो मन की होनी चाहिए, राइट मॉम? छोटू माँ, प्रियम इतने सालों बाद घर लौटा है तो अकेला कैसे जाएगा? क्यों ना हम बिपाशा को उसके साथ भेज दें? वो उसे अच्छी तरह गाइड भी कर देगी। क्यों बिपाशा? क्यों नहीं, मैंने सारे रास्ते अच्छे से दिखा दूंगी। माँ, जो इंसान इस मिट्टी में पैदा होता है वो कभी नहीं भूलता उसे। मैं शहर की हर गली हर पहाड़ा को जानता हूँ। अगर आप मुझे सिंदूर किला के लिए भेजना चाहती हैं तो मेरी एक शर्त है माँ, मैं अकेले जाना चाहता हूँ, प्लीज। अच्छा बाबा, तू अकेले ही जाना, लेकिन खुद का ख्याल रखना। थैंक यू। अरे बिपाशा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें तैयार होते हुए देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जगती आंखें कोई सपना देख रही, लेकिन तुम तो सपना नहीं, हकीकत हो, मेरे सामने हो, मेरे पास हो। तुम्हें बताओ प्रियम, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? बिपाशा, हम शरीफों में प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, क्या मुझे तुम्हें वो भी बताना होगा? वेरी नाइस डिजाइन, कलर भी अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो प्रिया, लेकिन इसे पहनने से पहले तुम और भी अच्छे लग रहे थे। क्या बकवास कर रही हो बिपाशा, तुम होश में तो हो? तुम्हें देखने के बाद कौन कम वक्त होश में रह सकता है प्रिया? अभी अमेरिका से आए हो ना, तो ये शराफत का चोला फेंक दो, अच्छा होगा। ये क्या कर रही हो तुम? डरो मत प्रियम, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और कोई। बिपाशा, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। यू आर डालिंग द रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। अभी तो शुरुआत है माय डार्लिंग। बिपाशा जो भी करती है सही करती है। आई ऑलवेज डायल the right number. इस बार माँ दुर्गा ने हमारे घर में खुशियों की बरसात कर दी है। अच्छा, तो बताओ जरा क्या खुशखबरी है? अच्छी खबर को देर तक रोकते नहीं,
अभी अभी खबर मिली है कि हमारे घर में गुरुजी पधार रहे हैं और साथ में चंद्रशेखर बाबू और उनका समूचा परिवार भी आ रहा है। अच्छा है, सबों को गुरुजी से आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब चंद्रशेखर बाबू कहीं वही तो नहीं जो हमारे पुराने पड़ोसी थे? चमत्कार! हाँ बाबा हाँ, ये वही चंद्रशेखर बाबू हैं जिनकी बिटिया का नाम कंगना है। मुन्मुन मौसी, आप भी ना। बाबा, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि तुम अपने बचपन के साथी को भूल तो नहीं गए। मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे, लेकिन शायद वो मुझे भूल गई हो। उसे मुझे कहीं मिलना था। खैर। ओ बाबा, तुम तो सेंटिमेंटल हो गए। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे बाबा। मुन्मुन मौसी, मैं एक्टिंग कर रहा था। बाबा दुष्टू! मुझे देर हो रही है माँ, चलना चाहिए। माँ, मुझसे कौन सी भूल हुई जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? मैंने तो इतने साल इंतजार किया अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन अब जब वो यहां आया तो मुझे ही भूल गया। क्या मुझे कुछ सिंदूर मिलेगा? आप? जी हाँ, और ये हमारी दूसरी मुलाकात है, राइट? तो आप भी यहाँ सिंदूर खेला खेले आए हैं? जी हाँ, वरना मैं यहाँ क्यों आता? ठीक है, मैं अभी लाके देती हूँ।